प्यारे बच्चों, ज्यामितीय रचनाओं के अंतर्गत आपने कुछ रचनाएं की हैं जिसमें आपने त्रिभुज की रचना करना सीखा है। चलिए आज हम एक समरूप चतुर्भुज की रचना करते हैं। आपके सामने एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है और आपको एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं की माप इस चतुर्भुज की संगत भुजाओं की माप की 2/5 है। यानी अगर इसकी एक भुजा 5 इकाई है तो उसकी संगत भुजा 2 इकाई होगी। इस प्रकार की रचना के लिए हम पहले इसके विकर्ण की रचना करेंगे जिस चतुर्भुज को हम बनाना चाहते हैं। और यदि हम मान लें कि जो नया चतुर्भुज बनने वाला है उसका एक शीर्ष बी पर ही है और इसकी एक भुजा बी सी पर है और दूसरी भुजा बी ए के ऊपर है, यानी तीसरी भुजा यहाँ कहीं पर हमको मिलेगी और उसका विकर्ण जो होगा वो इस विकर्ण बी डी के ऊपर ही होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो हम सबसे पहले एक विकर्ण लेते हैं और यदि इसकी माप हम 5 इकाई माने तो हम उस विकर्ण पर 2 इकाई ऐसी चुनेंगे कि वो पूरा का पूरा जो भुजा है वो 2 और 3 के अनुपात में बढ़ जाए। यानी पहले चतुर्भुज का विकर्ण यदि 5 इकाई है तो दूसरे चतुर्भुज का विकर्ण 2 इकाई होगा, ये हम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस दिए हुए चतुर्भुज का एक विकर्ण बना लें और इसके लिए हम बी और डी को मिलाते हैं। ये देखिए, ये हमने बी से डी को मिला दिया और अब हम चूंकि इस विकर्ण के 5 बराबर हिस्से करना चाहते हैं और इसमें से 2 हिस्सा एक तरफ लेंगे, 3 हिस्सा दूसरी तरफ लेंगे, तो यदि इसके हम 5 हिस्से करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर एक किरण की आवश्यकता होगी जिसके हम 5 बराबर हिस्से कर सकें या जिस पर हम 5 चाप बराबर काट सकें। तो यह हमने एक किरण खींची, मान लीजिए इस किरण का हमने नाम दे दिया बी एक्स। अब 5 हिस्से यदि हमको लेने हैं तो आप मोटा मोटा देख लीजिए कि लगभग कितना इंच है, ये आप देख रहे हैं लगभग 11 इंच है। यानी हम 2-2 इंच के चाप यहाँ पर काटें तो 10 इंच तक हमको 5 चाप मिल जाएंगे। तो हम ऐसा ही करें, ऐसा ना हो कि हम बहुत नज़दीक चले जाएं या काफ़ी आगे निकल जाएं, इसे नाप लेना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने एक मोटा मोटा अंदाज लिया कि अगर हम 2-2 इंच के चाप काटे तो हमको 5 चाप यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ बी से शुरू करते हैं, 5 बराबर चाप यहाँ पर लेते हैं। ये पहला चाप हमने यहाँ पर काटा, दूसरा चाप हमने यहाँ पर काटा, फिर ये तीसरा चाप काटा और उसी के बराबर ये चौथा भी चाप है और ये आखिरी वाला 5वां चाप हमने काट लिया। अब आप देखिए, ये काम आपके लिए बहुत आसान था कि किसी भी एक किरण पर आप 5 बराबर हिस्से ले लें और यदि हम इस आखिरी वाले हिस्से को डी से मिला दें और फिर दूसरे वाले हिस्से से एक रेखा खींचें जो इसके समानांतर है, तो क्या होगा, यहाँ आपको जो रेखा या रेखाखंड मिलेगा वो इस बी डी को उस जगह पर छुएगा जो इस पूरे को 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। ऐसी स्थिति में बी डी और यहाँ जो आपको बिंदु मिलेगा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, इसकी जो दूरी होगी वो 2 और 3 के अनुपात में होगी, लेकिन इस पूरे भुजा का और इसका जो अनुपात होगा वो इसके, यदि इसको आप पहले लें तो 2 और 5 के अनुपात में होगा। तो चलिए करके देखते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले इस बिंदु को यहाँ से मिला दें और पहले इनका नाम भी हम लिख दें। मान लीजिए इसको हम B1 कहते हैं, ये B2 है, ये B3, B4 और B5। B5 को हम D से मिला दें, ये हमने D के साथ B5 को मिलाया। अब हम इस B5D के समानांतर एक रेखा खींचेंगे B2 से। तो समानांतर रेखा खींचने के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। तो बराबर कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक चाप यहाँ पर लेना होगा और देखिए एक चाप हम यहाँ लेते हैं, ये एक चाप हमने काटा और ठीक इसके बराबर चाप हम B से काटते हैं। ये काम थोड़ी सावधानी से करना पड़ता है हमें ताकि ये कोने खिसकने मत पाए। ये चाप हमने काटा और इस चाप की जो लंबाई है इसको भी हम प्रकार से नाप लें अगर, तो आप देखिए इसको हम इतना फैलाते हैं कि ये दूसरे हिस्से को, दूसरे बिंदु को छूने लग जाए। ये इस चाप की लंबाई है, अगर इतनी लंबाई हम इस चाप पर भी ले लें और उसको हम B2 से मिलाएं तो जो कोण बनेगा
वो इस कोण के बराबर होगा। देखिए बहुत आसानी से हमने कि पहले क्या किया, B5 से एक चाप यहाँ पर लिया और ठीक वैसे ही चाप, उसी माप का चाप हमने B2 से लिया और चाप की जो लंबाई थी उसको भी हमने प्रकार से लिया और ठीक उसी लंबाई का नाप, उसी लंबाई के चाप यहाँ पर काटा, तो ये हमको एक पॉइंट मिला। अब यदि इसको हम B2 से मिला दें तो एक नया रेखाखंड हमें मिलेगा जो विकर्ण BD को किसी बिंदु पर मिलाएगा। ये देखिए हमने एक पूरी लाइन हम बना दी, एक पॉइंट हमें मिल रहा है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए R, ये बिंदु R है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही आपने ये B2R यहाँ खींचा वैसे ही आपने B4 B5 D इसके बराबर कोण यहाँ पर बना लिया। तो इससे हुआ क्या कि जो अनुपात इसका और इसका है वही अनुपात आपको यहाँ और यहाँ मिलेगा। यदि ये 5 और 2 के अनुपात में है तो ये आपको 5 और 2 के अनुपात में मिलेगा, यानी बिंदु R B से 2 इकाई यदि दूर है तो R से D की जो दूरी है वो 3 इकाइयों में होगी, यानी ये जो बिंदु R है वो इस टुकड़े को इस पूरे के संदर्भ में 2 और 5 के अनुपात में बांटता है, यानी BR और BD का जो अनुपात है वो 2 और 5 का अनुपात होगा। यानी इससे ये पता चला कि जो नया चतुर्भुज हम बनाने वाले हैं उसका विकर्ण BR होगा, यानी उसका एक बिंदु हमने R ढूंढ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास चतुर्भुज का एक बिंदु B मिला और दूसरा बिंदु R मिला, एक बिंदु हमें यहाँ मिलेगा जो इस पूरी भुजा को 3 और 2 के अनुपात में बांटेगा, ताकि पूरे इस पूरे का इसके साथ जो अनुपात है वो 5:2 का हो या इसके साथ इस पूरे का अनुपात 2 और 5 का हो। तो हमें एक बिंदु यहाँ पर तलाश करनी है और दूसरा बिंदु हमें यहाँ तलाश करना है जो उसी तरह से इसको भी विभाजित करता है। अब देखिए बहुत आसान है काम करना कि अगर हम यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचें इसके, तो वो जो समानांतर रेखा होगी वो हमें यहाँ पर वो बिंदु देगी। तो इसके समानांतर यदि हम यहाँ से रेखा खींचना चाहते हैं तो देखिए इसके बराबर एक कोण हम R पर निर्मित करेंगे और जो प्रक्रिया आपने यहाँ पर की थी ठीक वैसी प्रक्रिया हम D के साथ करेंगे। तो चलिए ये वाला भी हम काम कर लें, एक चाप हमने लिया, एक लंबाई ली और थोड़ा इसको बड़ा कर लें और इसे हमने इस तरह से काट लिया और ठीक उसी के बराबर त्रिज्या का चाप हमने R को केंद्र मानकर यहाँ से काटा और ये देखिए हमने एक चाप और काट लिया। अब इसकी जो लंबाई है, अब इसको बहुत ध्यान से देखें कि ठीक इसके बराबर की लंबाई हमको लेनी है। ये हमने नोक यहाँ रखी और दूसरी वाली नोक जो है पेन की यहाँ रख दी, तो इस चाप की लंबाई हमको प्रकार में मिल गई, उतने ही नाप हम यहाँ पर ले लें, ये हमने ले लिया। अब इसको आप मिला दीजिए बिंदु R से, ऐसा करने पर जो रेखा आपको मिलेगी वो AD के समानांतर होगी। तो चलिए इन दोनों को हम मिलाएं ध्यान से, ये हमने मिला दिया। अब देखिए AD के समानांतर आपको ये एक रेखा मिल रही है और इसका आप नाम दे दें, P नाम दे दें आप इसको, ये हुआ P। तो बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जो इस दिए हुए चतुर्भुज की 2 भुजाओं को निर्धारित करता है, एक तो BP को और दूसरी RP को, और ये जो भुजा है इसका इस पूरे के साथ अनुपात 2 और 5 का होगा, वैसे ही इसका भी अनुपात इस पूरे के साथ 2 और 5 का अनुपात होगा। अब आप देखिए हमारे पास इस चतुर्भुज की एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई और एक भुजा हमको यहाँ बनानी है, एक भुजा यहाँ बनानी है। तो यहाँ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस DC के समानांतर एक रेखा खींचनी होगी R से जो इस BC को यहाँ कहीं पर काटेगी। तो देखिए काफ़ी घना घना हो गया चित्र, लेकिन हमको करना पड़ेगा काम, हम R से DC के समानांतर एक रेखा खींचना चाहते हैं। तो फिर से हम एक चाप लें, अब की बार इसकी लंबाई हम थोड़ी बदल दें ताकि इससे अलग दिखे वो। चलिए हम एक चाप यहाँ पर इस तरह से काटते हैं और ठीक वैसे ही चाप हम R से और बनाते हैं, ये हमने चाप बनाया। बिंदु D और बिंदु R इस विकर्ण BD पर हैं और हम DC के समानांतर एक रेखाखंड यहाँ से खींचना चाहते हैं और उसके लिए हमने इस चाप की रचना की, ध्यान रखिएगा। अब इसकी जितनी लंबाई है वो भी हम नाप लें, ये देखिए
इस शाप की लंबाई को हमने प्रकार से नापा और ठीक उसके बराबर, इसके बराबर कोण बनाने के लिए हम यहाँ से इसको काटते हैं। ये देखिए, ये तो कमाल हो गया, उसी पर ठीक कट रहा है वो। चलिए इसको मिलाएं हम। और चतुर्भुज की भुजा पर ही काटा, ये बड़ा संयोग है। चलिए फिर भी हम इसको मिला दें। ये देखिए, अब इसको एक नाम आप दे दें, मान लीजिए इसको आप क्यू नाम देते हैं। तो ये चतुर्भुज का चौथा बिंदु मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने एक विकर्ण बनाया था जो बड़े वाले चतुर्भुज का विकर्ण था, और हमने ये मान लिया था कि जो हम नया चतुर्भुज बनाना चाहते हैं उसका विकर्ण भी इसी पर है, और उसकी एक भुजा बी ए पर है और दूसरी भुजा बी सी पर है। तो ये जो बी क्यू आपको मिला वो इस भुजा की संगत भुजा है। बिंदु क्यू इस पूरे को 2 और 3 के अनुपात में बांटता है, यानी इसका और इसका और इस पूरे का अनुपात 2 और 5 का है, माने 2/5 है। उसी तरह से इसका और इसका जो अनुपात है वो भी 2/5 है। पी आर का और ए डी का अनुपात 2/5 है, और पी बी का और ए बी का अनुपात भी 2/5 है। यानी एक चतुर्भुज आपने यहाँ पर बनाया बी क्यू आर पी। ये जो चतुर्भुज है वो पहले वाले चतुर्भुज बी सी डी ए का समरूप चतुर्भुज है। वो इस तरह से कि नए चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दूसरे चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के साथ 2/5 का अनुपात रखती है। तो ये रचना हुई। आपकी सुविधा के लिए इसको मैं किसी और रंग से थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएँ। चलिए, ये हमने एक भुजा बनाई थी, इसको मैं लाल स्याही से आप अंकित करता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएँ साफ साफ। एक भुजा ये हुई, दूसरी भुजा ये है जो डी सी के समानांतर है, तीसरी भुजा बी सी पर ही है जो बी क्यू के रूप में आपके सामने है, ये, और चौथी भुजा यहां पर है जो ए बी पर है और इसका नाम है पी बी। तो अब देखिए, ये जो एक लाल रंग से बना हुआ चतुर्भुज आपको दिख रहा है बी बी क्यू आर, ये ए बी सी डी का समरूप चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का इस पहले वाले चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के अनुसार के साथ अनुपात 2/5 का है। तो ये आपके अभीष्ट चतुर्भुज की रचना हुई जो दिए हुए चतुर्भुज का समरूप है।